हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब क्लासेस, साइंस क्लासेस। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक करना ना भूलें। आज हम फिजिक्स का पोर्शन पढ़ेंगे। फिजिक्स के पोर्शन में हम मोशन को स्टडी करेंगे और मोशन के टाइप पढ़ेंगे। मोशन के बारे में एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक को रिलेट करके बताएंगे। मोशन की टर्म को डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक मोशन। मोशन आप लोगों को पता ही होगा, मोशन क्या होता है? मूवमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। जब एक ऑब्जेक्ट दूसरी जगह जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं? मोशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन ए पर्सन, ये पर्सन है, ये मूव करता है इस जगह से दूसरी जगह पर, सपोज पॉइंट ए टू पॉइंट बी, इट कॉल्ड मोशन। अब मोशन में एक टर्म होती है जिसको कहते हैं रेफरेंस पॉइंट। क्या बोला? रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट मतलब वो पॉइंट जिसके जरिए हम क्या करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट की मोशन को मेजर करते हैं। एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज ए पॉइंट बाय विच पोजिशन एंड लोकेशन, पोजिशन एंड लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट डिटरमाइन, पता की जाती है, उसको क्या कहते हैं? रेफरेंस पॉइंट कहते हैं। मीन्स अगर हम रेफरेंस पॉइंट नहीं लेते हैं तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को मेजर नहीं कर सकते। मोशन के लिए हमें रेफरेंस पॉइंट को जरूर मेंशन करना पड़ेगा। रेफरेंस पॉइंट लिया होगा तभी हम क्या कर पाएंगे, उस ऑब्जेक्ट के मोशन को मेजर कर पाएंगे। अब बात करते हैं मोशन की। अगर मोशन की हमें डेफिनेशन लिखनी है तो क्या लिखेंगे? मोशन इज डिफाइंड एज इफ द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज। क्या कहा? किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या होती है? चेंज होती है। ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या हो रही है? चेंज विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट। मीन्स हमने जो रेफरेंस पॉइंट लिया है, मैंने ये रेफरेंस पॉइंट लिया था और यहां से फिर मैंने देखा कि वो पर्सन कहां चला गया, बी पॉइंट पर, तो ये मेरा क्या था? रेफरेंस पॉइंट। और यहां से यहां तक इसने क्या किया? मोशन किया, तभी इसकी जगह क्या हुई? चेंज हो पाई। रेफरेंस पॉइंट सराउंडिंग विद टाइम, और टाइम के साथ कि कितनी देर में वो, किस टाइम वो ए पॉइंट पर था और किस पॉइंट पर वो, किस टाइम पर वो बी पॉइंट पर चला गया। तो ये हमारा क्या है? मोशन है। मोशन में रेफरेंस पॉइंट का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी, क्या कंपल्सन है। रेफरेंस पॉइंट होगा तभी मोशन को हम क्या कर पाएंगे, मेजर कर पाएंगे। फिर है, अब बॉडी मोशन में है तो लगातार तो मोशन में होगी नहीं, कभी ना कभी बॉडी किस में आएगी? रेस्ट में आएगी। तो रेस्ट क्या होता है? रेस्ट किसको कहेंगे? इफ द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज। पोजिशन क्या ना हो? चेंज ना हो। किसके साथ? रेफरेंस पॉइंट के साथ, इन सराउंडिंग विद टाइम। टाइम के साथ रेफरेंस पॉइंट कभी भी क्या ना हो, किसी बॉडी का चेंज ना हो, तब वो ऑब्जेक्ट क्या कहलाती है? रेस्ट कहलाती है। क्या कहलाती है? रेस्ट। अब ये तो हमने जनरल टर्म को डिस्कस किया, रेफरेंस पॉइंट, मोशन और रेस्ट। फिर ये कहता है कि रेस्ट और मोशन दोनों एक दूसरे से रिलेटिव फिनोमिना है। कैसे फिनोमिना है? रिलेटिव फिनोमिना है। कैसे? एन ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट एज इन मोशन, इट डिपेंड्स ऑन द ऑब्जर्वेशन। मैं कैसे कह सकती हूं कि ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और ये ऑब्जेक्ट मोशन में है? कैसे पता लगता है? उसके रेफरेंस पॉइंट से पता लगता है कि उसका जो रेफरेंस पॉइंट है, या कहें जहां से हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो पॉइंट है, उससे हम पता लगा सकते हैं कि जो हमारी ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में है या मोशन में है। एन ऑब्जेक्ट मे बी रेस्ट फॉर वन, हो सकता है कई बार ऐसा हो सकता है कि एक ऑब्जेक्ट किसी एक ऑब्जर्वर के लिए तो रेस्ट में हो और दूसरे के लिए किस में हो? मोशन में हो। मोशन फॉर अनदर ऑब्जर्वर एंड रेस्ट फॉर वन ऑब्जर्वर। एक देख रहा है तो वो कह रहा है कि वो रेस्ट में है, दूसरा कहता है कि नहीं, ये ऑब्जेक्ट किस में है? मोशन में है। ऐसा पॉसिबल है, हो सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक ट्री, एक पेड़ का हम एग्जाम्पल लेते हैं, वो अर्थ की सरफेस पर
प्रेजेंट है, और अगर हम उसको अर्थ से देखते हैं तो वो क्या है, रेस्ट में। लेकिन अगर उसी ट्री को हम किसी दूसरे प्लेनेट से देखते हैं तो वो क्या होता है, मोशन में होता है। दूसरे प्लेनेट का मतलब वीनस, जुपिटर, मार्स, अगर हम वहां से उसको ऑब्जर्व करेंगे तो वो किस में होगा, मोशन में होगा। तो एक बहुत अच्छा एग्जांपल है ये किसका, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव फिनोमिना। दोनों कैसे फिनोमिना है, रिलेटिव फिनोमिना है, और ये रिलेट करते हैं एक दूसरे को। ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तब मोशन में आएगी, मोशन में है तो वो कभी ना कभी किस में जाएगी, रेस्ट में जरूर जाएगी। तो ये हमने जनरल इंट्रोडक्शन किया मोशन चैप्टर का। नेक्स्ट टॉपिक हम मेरी अगली वीडियो में पार्ट 2 में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।